आज हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा की तमाम जनता के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। जी हां, हरियाणा को सरकार मिलने जा रही है, क्या परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है? तमाम दावेदारियां इससे पहले आपने सुनी है, लेकिन रुझान के लिए, परिणाम के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, सबसे पहले जानकारी के लिए आप लगातार आज हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हरियाणा में वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। सुबह ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही सबसे पहला रुझान आएगा, आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपको सबसे पहला रुझान देने जा रहा है, हर जानकारी आपको देने जा रहा है, हर अपडेट से आपको रूबरू कराने जा रहे हरियाणा न्यूज। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज हरियाणा की जनता ने जो फैसला 5 अक्टूबर को लिया था, उसका परिणाम आने जा रहा है। आज तस्वीर साफ होने जा रही है कि कांग्रेस जो कि लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, क्या वो दावा हकीकत में परिणाम में तब्दील होने वाला है, या फिर बीजेपी जो इतिहास बनाने की बातें कर रही है, जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ, हैट्रिक बनाने का बीजेपी जो दावा कर रही है, या बीजेपी का दावा सही साबित होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम रखी गई है, 1031 उम्मीदवारों की, दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो चुका है, ईवीएम में किस्मत कैद है, और जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे, ठीक 8 बजे वोट काउंटिंग शुरू होगी, और जैसे ही सबसे पहला रुझान आएगा, और जैसे ही सिलसिलेवार ढंग से तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट सामने आएंगी, पल पल की अपडेट आपको हरियाणा न्यूज बताने जा रहा है। तो वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम्स के बाहर जो कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा की गई है। जनता के फैसले को, जनता के वोट्स को, दिग्गजों की किस्मत को, जिसको ईवीएम में कैद किया गया है, हाई लेवल सिक्योरिटी में रखा गया है। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है, प्रशासन का कड़ा पहरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बड़ा दिन हरियाणा की सियासत को लेकर। 8 अक्टूबर वो तारीख, वो दिन जिसका इंतजार लगातार हो रहा था। चुनाव का ऐलान होते ही तमाम सियासतदानों ने अपनी ताकत झोंकी। कैंपेनिंग में आपने देखा, अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टियां, बड़े नेता, तमाम उम्मीदवार ग्राउंड पर थे। जीत के दावे तमाम नेताओं की ओर से किए गए। तो सभी 90 हलकों को लेकर आज परिणाम आने जा रहा है। तमाम उम्मीदवारों ने, पार्टियों ने ताकत झोंकी। 5 अक्टूबर को आप जानते हैं सिंगल फेज में हरियाणा के सभी 90 हलकों पर, जो कि लगभग हर बार ही होता आया है, सिंगल फेज में हरियाणा में चुनाव हुआ। उसके बाद ओपिनियन पोल्स भी आपके सामने थे, तमाम जो अनुमान थे अलग अलग एजेंसीज के, वो भी आपने देखा। अनुमान के मुताबिक कांग्रेस सरकार बनने जा रही, बीजेपी हालांकि कह रही एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है, और एग्जैक्ट पोल जिस वक्त आएंगे उस वक्त कांग्रेस हैरान होगी, बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। बीजेपी इस बात की ओर इशारा कर रही है। बीजेपी का कहना ये रहा, बीजेपी नेताओं का ये कहना रहा, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी का भी ये रहा कहना कि जैसे ही परिणाम आएंगे कांग्रेस ईवीएम का बहाना ढूंढेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, प्रदेश भर में काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही, प्रशासन की तमाम टीमें भी निगाहें बनाए हुए हैं। तो जैसे ही आपकी घड़ी में 8 बजेंगे वैसे ही वोट काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1031 उम्मीदवार जो कि ताल ठोकते नजर आए थे, उनकी किस्मत जो कि 5 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो मतगणना शुरू होगी, और उसके ठीक बाद जैसे ही पहला रुझान आएगा, आप अपने चैनल हरियाणा न्यूज पर बने रहिएगा, पहला रुझान हम जल्दी भी आपको अपडेट देंगे, सटीक जानकारी भी आपको देंगे। जल्दबाजी में कोई, क्योंकि आप बहुत बार देखते हैं कि चुनाव परिणाम वाले दिन बहुत सारी खबरें, अलग अलग अपडेट सामने आती हैं, लेकिन आपको भरोसा करना है आपके अपने और हरियाणा के नंबर 1 चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह ठीक 8 बजे मतगणना शुरू होने जा रही है, मतगणना के बाद आज हरियाणा का परिणाम आना है। प्रदेश भर की निगाहें तो है ही, देश भर की राजनीति की निगाहें भी आज हरियाणा पर टिकी हैं। क्या कोई बदलाव होने जा रहा है, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है हैट्रिक बनाने का, तीसरी बार सत्ता में आने का, सत्ता फिर से दोहराने का, ये दावा सही साबित होने जा रहा है? तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे मतगणना के बाद रुझान आने शुरू होंगे, वैसे वैसे तस्वीर आप मानकर चलिए साफ होती जाएगी कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार। तो हरियाणा की सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन, हरियाणा के लोगों ने जो फैसला लिया है,